हेलो गाइस, आई एम अंकित भट्ट। स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइस, उत्तराखंड के लिए एक नई सीरीज लॉन्च की है जो आपके लिए हेल्प करेगी। उत्तराखंड समूह ग, कनिष्क सहायक, वीडियो, वीपीडीओ, यूकेएससी, यूकेपीएससी, यूके SSC, UK SSC, सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं हमारी। तो गाइस, ये है हमारा उत्तराखंड का पार्ट 8। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रसिद्ध व्यक्ति हिमांशु जोशी का संबंध किस क्षेत्र से है? खेल, पर्वतारोही, लेखक, राजनीति। तो गाइस, जो हिमांशु जोशी का संबंध है वो किससे है हमारे? वो है हमारे क्या? लेखक। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। अगर हिमांशु जोशी जी के बारे में देखें तो देखिए, हिमांशु जोशी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? चंपावत, जोशुड़ा में हुआ था। ठीक है, अगर इनके उपन्यास की बात करें तो देखिए, अरण्य, महासागर, छाया मत छूना मन, कगार की आग, समय साक्षी है, तुम्हारे लिए, सुराज, ये सारे के सारे इनके क्या हैं? उपन्यास हैं, जो कि किसके द्वारा लिखे गए हैं? हिमांशु जोशी जी के द्वारा लिखे गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उत्तराखंड में 10वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? रामास्वामी, रमेश रंगनाथन, राजीव शर्मा, रमेश जमलोकी। तो गाइज, जो अभी हमारे उत्तराखंड के 10वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो कौन बने हैं? रमेश रंगनाथन। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछे पहले कौन थे, ठीक है, तो पहले कौन थे? देसाई। ठीक है, अगर आपसे पूछे सबसे लंबे समय तक जिसने क्या किया यहाँ पर, जो मुख्य न्यायाधीश की पद पर रहे, तो वो कौन थे? तो वो थे के एम जोसेफ, ये याद रखिएगा। अगर आपसे पूछते हैं अभी वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में कितने हैं गाइज? तो जजेस तो क्या हैं, टोटल की बात करोगे तो टोटल 11 हो जाएंगे। ठीक है, किसको मिला के? मुख्य न्यायाधीश को मिला के, जिसमें 9 तो क्या होते हैं? परमानेंट हैं, और 2 क्या करे हैं अभी इन्होंने? अस्थाई 2 की नियुक्त किए थे। ठीक है, तो टोटल 11 हो गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। है कहाँ पर हमारा अभी हाई कोर्ट? तो नैनीताल में। देखिए, आप देख सकते हैं, पहले अशोक देसाई, लॉन्गेस्ट सर्विंग जो है KM जोसेफ, टोटल 11 हैं, 9 परमानेंट और 2 एडिशनल। आर्टिकल की बात करें गाइज, जो हाई कोर्ट आता है वो हमारे 214 से 231 तक क्या आता है? हाई कोर्ट आता है। ठीक है, और क्या होता है इनमें बताया गया है कि क्या, 214 में जैसे बताया गया है कि हर स्टेट का अपना एक क्या होगा? हाई कोर्ट होगा। ठीक है, और जो हमारा 7वां अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, उसके अंतर्गत बताया गया है कि कोई एक जो है हाई कोर्ट वो क्या हो सकता है? एक से ज़्यादा राज्यों का हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रामायण प्रदीप की रचना किसने की थी? शिवानी शर्मा, अग्निवेश शर्मा, मेधाकर शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो गाई, जो रामायण प्रदीप की रचना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? मेधाकर शर्मा जी के द्वारा की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वंशी नारायण मंदिर में किस देवता की पूजा होती है? विष्णु, राम, शिव, हनुमान। तो गाइज, इससे पिछली वाली सीरीज में हमने पढ़ा था क्या, वंशी नारायण का मंदिर ऐसा मंदिर है जो कि वर्ष में 364 दिन बंद रहता है, केवल एक दिन खुलता है। कौन से दिन खुलता है? वो रक्षाबंधन के दिन ओपन होता है। ठीक है, पहाड़ी कत्यूर शैली में ये बना हुआ है, और इसमें किसकी पूजा होती है? भगवान विष्णु की पूजा होती है। इस दिन जितनी भी महिलाएं और जो औरतें होती हैं वो क्या करती हैं? रक्षा सूत्र बांधने के लिए आती है हमारे भगवान विष्णु को। ठीक है, कहाँ पर है? तो चमोली जिले में ये स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरगोविंद पंत को जननायक किसने कहा था? गांधी जी, बद्रीदत्त पांडे, गोविंद बल्लभ पंत, विक्टर मोहन जोशी। तो देखिए गाइज, हरगोविंद पंत इम्पोर्टेंट नाम हो जाते हैं हमारे। ठीक है, तो इनको विक्टर मोहन जोशी जी ने क्या बोला था? जननायक बोला था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि जननायक किसे कहा जाता है, तो जननायक किसे कहा गया है? हरगोविंद पंत को कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? विक्टर मोहन जोशी जी के द्वारा कहा गया है। ठीक है, अगर इनके बारे में देखिए गाइज, तो देखिए इनका जो जन्म हुआ था वो 1885 में हुआ था, चितई अल्मोड़ा में। इम्पोर्टेंट है, कहाँ पर हुआ था? चितई अल्मोड़ा में। जो डेथ हुई वो 18 मई 1957 को हुई। माता जी का नाम इनकी आनंदी देवी, और वाइफ का नाम क्या था? दुर्गा देवी पंत था। ठीक है, फादर की बात करें तो फादर का नाम धर्मानंद पंत था। इन्होंने क्या रही, ये 10 साल तक, सॉरी 10 टाइम्स तक, और उसमें लगभग 11 से 12 साल ये क्या रहे हमारे कांग्रेस जिला अध्यक्ष रहे। ठीक है, इनकी एक बुक है गाइज, वो याद रखिएगा, सल्ट पर कैसी बीती,
सल्ट पर कैसी बीती। आपको पता है सल्ट का जो क्षेत्र है कुमाऊं का बारदौली कहा था, जिसे गांधी जी ने 5 सितंबर 1942 को जो कांड हुआ था उसी पर इन्होंने बुक लिखी थी, सल्ट पर कैसी बीती 1928 में। और एक और इम्पोर्टेंट काम क्या है गाइज इनका, उस टाइम पे एक प्रथा चलती थी कि जो कुलीन ब्राह्मण होते हैं वो हल नहीं चलाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था 1928 में, हल चलाकर इस प्रथा का भी क्या किया था, अंत किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइज, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। राज्य की साइंस सिटी कहाँ बनेगी, हरिद्वार, श्रीनगर, देहरादून, अल्मोड़ा। तो गाइज जो साइंस सिटी बनेगी अभी, वो साइंस सिटी हमारे कहाँ पर बनेगी, देहरादून जिले में बनेगी। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। 2018 के अनुसार राज्य में कुल ग्लेशियर हैं 964, 968, 965, 967। तो गाइज 2018 के अनुसार जो राज्य में कुल ग्लेशियरों की संख्या है वो कितनी है, 968। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2018 किसे मिला था, मनोज सैमवाल, पंकज सैमवाल, संजय सैमवाल, सुनील सैमवाल। तो गाइज ये जो राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2018 मिला था ये पंकज सैमवाल को मिला है, ठीक है। ये टिहरी से बिलोंग करते हैं, इन्होंने क्या किया था, अपनी माता को आदमखोर से बचाने के लिए अपनी जान परवाह किए बिना ही ये क्या हुए थे, अपनी माता को इन्होंने बचाया था, तो इसीलिए इन्हें क्या दिया गया, पुरस्कार दिया गया, वीरता पुरस्कार। नेक्स्ट है, फूलों की घाटी किस जनपद में स्थित है, चमोली, उत्तरकाशी, गंगा या फिर टिहरी। तो सभी को पता है फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, चमोली जनपद में स्थित है, वैली ऑफ फ्लावर, और वैली ऑफ फ्लावर पार्क भी है गाइज, ठीक है। फूलों की घाटी हमारा क्या है, एक पार्क, नेशनल पार्क भी है। उसके बाद इसकी खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा फ्रैंक स्मिथ ने इसकी क्या की थी, खोज की थी, ठीक है। 1932 में इसकी खोज की गई थी, और इसका जो एरिया है वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर इसका जो एरिया है गाइज 87.5 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है, एरिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 500 से ज़्यादा अधिक यहाँ पर पुष्पों की वैरायटी है। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, मंदाकिनी व पिंडर, अलकनंदा व भागीरथी। मंदाकिनी, अलकनंदा, पिंडर, भागीरथी। तो गाइज जो गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं कौन सी हैं, अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और गाइज अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम होता है वो कहाँ पर होता है, आपके देवप्रयाग में संगम होता है, उसके बाद ही क्या होती है, गंगा हमारी क्या कहलाती है, नदी का नाम गंगा होता है, उससे पहले अलकनंदा और भागीरथी अलग अलग नदियाँ होती हैं, देवप्रयाग पर संगम होता है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। उत्तराखंड वन विभाग 2018 में ब्रांड एम्बेसडर कौन है, प्रभा गोस्वामी, जगत सिंह चौधरी, अनुकृति गुसाई, विराट कोहली। तो गाइज जो 2018 के ब्रांड एम्बेसडर थे उत्तराखंड वन विभाग के वो कौन थे, जगत सिंह चौधरी थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य का प्रथम एक्यूप्रेशर पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, श्रीनगर, ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार। तो गाइज जो राज्य का पहला एक्यूप्रेशर पार्क बन रहा है वो ऋषिकेश में बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है गाइज, ये अलग अलग नक्षत्र ग्रह जो हैं उनके वो उस टाइप से बनेंगे, और वो जो क्या करेगा, उनकी जो भी उन ग्रहों की जो भी नक्षत्र है उनका स्ट्रक्चर बनाएंगे, और उसकी क्या करेंगे, जो भी हमारे यात्री होंगे या पर्यटक होंगे उसके क्या कर सकते हैं, परिक्रमा वो कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कहाँ पर बन रहा है गाइज, ऋषिकेश में ये बन रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 50 लाख लगभग एक्सपेंसेस होगा इसमें ऐसा बताया गया है। राज्य सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर का नाम है, दीनदयाल मीडिया सेंटर, बद्रीदत्त पांडे मीडिया सेंटर, अम्बेडकर मीडिया सेंटर, कलाम मीडिया सेंटर। तो गाइज जो राज्य सचिवालय में मीडिया सेंटर है वो क्या है, बद्रीदत्त पांडे मीडिया सेंटर है उसका, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बद्रीदत्त पांडे के बारे में बात करें गाइज, तो 1882 में, तो 1882 में कनखल में इनकी क्या, इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, और 1913 में ये संपादक बने थे, काहे के संपादक बने थे गाइस, जो कि अल्मोड़ा अखबार था, ठीक है, बुद्धि बल्लभ पंत जी जिसके पहले संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार 2018 किसे प्रदान किया गया है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल, अन्नपूर्णा नोटियाल, मदन मोहन बहुखंडी, पंकज सैमवाल। तो गाइज जो राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार 2018 दिया गया है वो हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी को क्या किया गया है, दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2018 उत्तराखंड गौरव सम्मान किसे प्रदान किया गया है, रस्किन बॉन्ड, अन्नपूर्णा नोटियाल, मदन सिंह रावत, मदन मोहन बहुखंडी। तो गाइज
2018 का जो गौरव सम्मान है, उत्तराखंड गौरव सम्मान, ये दिया गया है मदन मोहन बहुखंडी जी को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस पोस्ट ऑफिस से गंगा जल खरीद सकते हैं? जोशीमठ, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गौरीकुंड। तो गाइस देवप्रयाग से आप क्या कर सकते हैं, आप देवप्रयाग जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर क्या मिलेगा, गंगा जल मिलेगा, ठीक है, बोतलों में। तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आप गंगा जल खरीद सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 16 का देवप्रयाग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देश का पहला शुद्ध जैविक राज्य कौन बना है? सिक्किम, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली। तो गाइज जो भारत का पहला जैविक राज्य बना वो कौन सा बना, हमारा सिक्किम बना। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तराखंड की प्रथम महिला IAS हैं माया टमटा, ज्योतिराव पांडे, कंचन चौधरी भट्टाचार्य, संतोष यादव। तो गाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछे उत्तराखंड की पहली महिला IAS, तो याद रखिएगा फर्स्ट IAS जो थी वुमेन वो थी ज्योतिराव पांडे, ज्योतिराव पांडे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तराखंड राज्य सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य हैं तो सुधा पांडे, संतोष यादव, दुर्गा देवी, माया टम। तो गाई जो पहली महिला सदस्य थी लोक सेवा आयोग की वो कौन थी, सुधा पांडे। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। पहले देखिए गाइस, अगर पहला पहली महिला IAS पूछे तो वो कौन है, पहली महिला IAS ज्योतिराव पांडे। अगर पूछे लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य तो वो थी सुधा पांडे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, राज्य गठन के बाद पहली महिला सांसद कौन है? महारानी कर्णावती, माला राजलक्ष्मी, कमलेंदुमती साह, माता मंगला। तो गाइस जब हमारा राज्य गठन हुआ उसके बाद जो पहली महिला सांसद बनी तो वो कौन थी, माला राज लक्ष्मी, ठीक है, माला राज लक्ष्मी। आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, कौन सा ऑप्शन है, माला राज लक्ष्मी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइस जो माला राज लक्ष्मी थी इनका अगर आपसे जन्म पूछे तो काठमांडू नेपाल में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ये याद रखिएगा क्योंकि आउट ऑफ इंडिया इनका बॉर्न हुआ है, इंपॉर्टेंट है। राज्य की प्रथम महिला लोक गायिका कौन है? कबूतरी देवी, बसंती बिष्ट, दुर्गा देवी, पद्मावती। तो गाइज सभी को पता है जो पहली महिला लोक गायिका है उत्तराखंड की वो कौन है, कबूतरी देवी, ठीक है। इन्हें कुमाऊं कोकिला भी कहा जाता है, कबूतरी देवी, कुमाऊं केसरी, कुमाऊं कोकिला, ठीक है। बॉर्न की अगर बात करूं गाइज, ये गलत हो जाएगा, कुमाऊं कोकिला। अगर बॉर्न की बात करें तो बॉर्न इनका हुआ था 1945 में। किस जिले से बिलोंग करती हैं, चंपावत जिले से बिलोंग करती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य की प्रथम महिला कॉमर्शियल ड्राइवर है? अमृता रावत, भवानी देवी, ममता पुजारी, सुलेखा अंसारी। तो गाइस जो राज्य की पहला महिला कॉमर्शियल ड्राइवर है वो है ममता पुजारी, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल की प्रथम महिला लेखिका है? विद्यावती डोभाल, बीना डोभाल, सुशीला डोभाल, रीना डोभाल। तो गाइज अगर क्वेश्चन पूछे आपसे गढ़वाल की पहली महिला लेखिका, तो पहली महिला लेखिका कौन थी गढ़वाल की, विद्यावती डोभाल। आप आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य के प्रथम सत्याग्रही व्यक्ति हैं? पंकज ध्यानी, रामेश्वर चंदोला, प्रकाश ध्यानी, जगमोहन सिंह नेगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जगमोहन सिंह नेगी। जो ये थे ये उत्तराखंड के क्या हैं, पहले सत्याग्रही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पूछे पहले सत्याग्रही कौन है उत्तराखंड के, तो उत्तराखंड के पहले सत्याग्रही थे जगमोहन सिंह नेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस नृत्य को केदार नृत्य के नाम से जाना जाता है? जागर, मंडाण, रणभोर, झूमलो। तो जो केदार नृत्य के नाम से जाना जाता है वो कौन सा नृत्य है, मंडाल नृत्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मंडाल नृत्य है वो किसके नाम से जाना जाता है, केदार नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के पहले नौसेना अध्यक्ष हैं? देवेंद्र जोशी, अनिल जोशी, महेंद्र जोशी, पंकज जोशी। तो आपका आंसर हो जाएगा गाइस देवेंद्र जोशी, जो पहले नौसेना अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के वो देवेंद्र जोशी जी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गढ़वाल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मौलाराम, मंगतराम, हीरालाल, कनकपाल। तो गाइस जो गढ़वाल था 1515 में क्या हुआ था, इसकी 52 गढ़ों को जीत लिया था, ठीक है। तो 52 गढ़ों को जीतने के बाद तब उसने गढ़पाल बोला था,
तब उस टाइम पे जो गढ़वाल को बोला जाता था गढ़पाल बोला जाता था, ठीक है। बट फिर उसके बाद 1815 ईस्वी में हमारे मौला राम जी प्रथम बार जो गढ़पाल शब्द, गढ़वाल जो अभी बोलते हैं, उस शब्द का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो गढ़वाल शब्द जो प्रयुक्त किया गया था सर्वप्रथम, वो किसके द्वारा किया गया था, मौला राम जी के द्वारा, याद रखिएगा। कार्बेट नेशनल पार्क में बाघ परियोजना का शुभारंभ हुआ था 1917, 1947, 1973, 1936। तो गाइस सबको पता है जो हमारी टाइगर परियोजना स्टार्ट हुई थी वो 1973 में हुई थी, ठीक है। तो आपका और कहाँ पे हुई थी ये, कॉर्बेट नेशनल पार्क में। अगर गाइस पूछे भारत में कहाँ पर हुई थी, तो भारत में भी ये कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही पहली थी जो स्टार्ट हुई थी 1973 में। और कॉर्बेट नेशनल पार्क को सबसे पहले क्या बोला जाता था, हैली नेशनल पार्क। उत्तराखंड का सबसे पहला पूछे या फिर भारत का सबसे पहला पूछे, दोनों में ही आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तराखंड में भूरी अमोला कुंड किस जनपद में स्थित है, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, चमोली, टिहरी। तो गाइस जो भूरी अमोला कुंड है ये स्थित है आपका रुद्रप्रयाग जिले, रुद्रप्रयाग में, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चिपको आंदोलन संबंधित है सामाजिक जागृति, राजनीतिक जागृति, वन रक्षा जागृति, सांस्कृतिक जागृति। सबको पता है जो चिपको आंदोलन है, गौरा देवी और उनके साथ जो महिलाएं थे उनकी, वो क्या कर देती हैं, पेड़ों को काटने से बचाने के लिए पेड़ों से लिपट जाती है। 1970s की बात होती है, तो वो किससे संबंधित था, वन रक्षा जागृति से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चिपको आंदोलन से संबंधित नहीं है चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, वन रक्षा जागृति, इंद्रमणि बडौनी। तो गाइज आपका आंसर क्या हो जाएगा, इंद्रमणि बडौनी। इंद्रमणि बडौनी क्या है, इससे रिलेटेड नहीं है। देखिए चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा दोनों आ जाएंगे, वन रक्षा जागृति वैसे दिया है, अगर यहाँ पे किसी का नाम होना चाहिए ऑप्शन में, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ गौरा देवी, ठीक है। अगर ऑप्शन नहीं भी है तो वन रक्षा जागृति से तो रिलेटेड था ही, पर तीन नाम दिए तो गौरा देवी, तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, चिपको आंदोलन से रिलेटेड हो जाएंगे, ठीक है। बट जो हमारे चौथे हैं इंद्रमणि बडौनी, इनका इससे कोई भी रिलेशन संबंध नहीं था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नरेंद्र शाह द्वारा हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई थी, 1938, 1937, 1939, 1937। तो नरेंद्र शाह ने जो हुजूर कोर्ट चलाए थे, ठीक है, वही बात चल रही है। तो हाईकोर्ट की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी उनके द्वारा, 1938 में। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देवभूमि नामक समाचार पत्र कहाँ प्रकाशित होता है, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, पौड़ी। तो गाई जो देवभूमि नामक समाचार पत्र है चमोली जिले से क्या होता है, प्रकाशित होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और चमोली से याद रखिएगा, चमोली कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला उत्तराखंड का कौन सा है, चमोली। सबसे छोटे जिले की बात करें, सबसे बड़ा चमोली, सबसे छोटा क्या था, चंपावत। राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी पार्क, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो गाइज आपका आंसर क्या हो जाएगा, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा तो गंगोत्री, अगर पूछे सबसे नया तो तब भी कौन सा हो जाएगा, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो गाइज ये थी हमारी सीरीज 8, आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज पे, तब तक के लिए बाय, गुड डे, थैंक।